दिवाली के दिन एक बहन आती है और कहती है, कहा डाइट चार्ट मत दो मुझे, आपसे डाइट चार्ट नहीं चाहिए, मुझे आपसे दिवाली में सिर्फ एक राय चाहिए कि यदि दिवाली में पूरी पराठा और मिठाई खा लूं तो मुझे क्या करना चाहिए, और यदि किसी के साथ बुरा व्यवहार हो गया गलती से और मेरा हृदय टूट गया तो मुझे क्या करना चाहिए, और यदि अब बड़े लोगों के चरण स्पर्श कर लेंगे तो आपको नूतन वर्ष की बधाई में पैसे ही देते हैं, तो वो बढ़ गया तो मुझे क्या करना चाहिए। जब दिवाली में पूरी पराठा मिठाई ये खाने के बाद यदि वजन बढ़ जाए तो व्यायाम करना चाहिए। अगर किसी के साथ मतभेद बढ़ जाए तो तुरंत ही ध्यान धरना है कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, माफी मांग लेना तुरंत ही। और अगर धन बढ़ जाए तो दान कर देना चाहिए, इसको पकड़ के नहीं रखना है कि जब ही लगा कि शरीर का वजन बढ़ गया तो सबसे पहले व्यायाम करना है, जब लगा कि मन का वजन बढ़ गया है तो तुरंत ही ध्यान करना चाहिए, और लगा कि धन का वजन बढ़ गया है तो सबसे पहले हमें इसको दान कर देना है। लेकिन दिवाली के बाद ये सारी चीजों को खाने के बाद टूथ पेन भी बहुत होता है, बहुत मंचिंग करते हैं, अनाप शनाप जो आया खा लो, इसके घर जाके खाओ, उसके घर जाके खाओ, होटल में स्पेशल फूड लेके मंगा के खाओ, बहुत मंचिंग करते हैं। और ये अभी तक नहीं चलेगा, दिवाली के बाद नया वर्ष, उसके बाद भाई दूज मनाएंगे, उसके बाद सात अंकुर की प्रसादी खाएंगे, तो वजन तो बढ़ना है लेकिन दांतों का दर्द भी जरूर बढ़ना है। तो अब इन दांतों के दर्द को कैसे ठीक करें, आखिर वजह क्या है कि ये सब मंच करने के बाद आपके दांतों में दर्द इतना बढ़ क्यों गया। बहुत करते हैं हम, सुबह भी करते हैं, रात में भी करते हैं, फिर भी क्यों दांत में दर्द हो रहा है, क्योंकि जब पेट में गर्मी बढ़ गई, लार्ज इंटेस्टाइन में गर्मी जब बढ़ जाती है तो आपके माउथ एंड गम्स ये दोनों में ब्लीड होने लग जाता है। जब भी हीट बढ़ जाएगी आपके शरीर में, आपको लगता है मुंह से खून क्यों निकल रहा है, गम्स में से खून क्यों निकल रहा है, टूथ में से ब्लड क्यों निकल रहा है, इट इज बिकॉज व्हेन यू आर ओवर ईटिंग, व्हेन यू आर ईटिंग ऑल हॉट एंड स्पाइसी फूड, व्हेन यू आर एडिंग सो मच ऑफ स्वीट शुगर, ये सारी की सारी चीजें कॉन्स्टिपेट कर देता है, और हीट लार्ज इंटेस्टाइन में बढ़ती जाएगी और मल आपका सूखने लग जाता है, एंड इट जनरेट्स लॉट ऑफ हीट इन योर बॉडी। जैसे गर्मी उत्पन्न हो गई तुरंत ही आपके गम्स में से ब्लीड होना शुरू हो जाएगा और आपके दांत लूज होने लग जाते हैं, तो उस वक्त इमीडिएट इमरजेंसी पॉइंट की लगा कि एकदम से अचानक दांत दुखने लग गए हैं तो क्या करेंगे, थम लेंगे, थम के साइड में जाएंगे, फर्स्ट जॉइंट खत्म, उसके बाद सेकेंड जॉइंट खत्म, एक पिट मिलेगा वहां पे, एक पिट मिलेगा, फर्स्ट जॉइंट खत्म, उसके बाद सेकेंड जॉइंट खत्म, और हल्का सा नीचे जाते ही एक हल्का सा गड्ढा मिलेगा, जोर से दबा कर देखिए दिवाली की मिठाई का क्या असर हुआ। जिसके जिसके दर्द हो रहा है क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज घुमाना है, जिसके जिसके दर्द है उसके दांतों में दर्द है, उसको या तो माउथ एंड गम्स की ब्लीडिंग की बहुत बड़ी समस्या है, तो क्या करना है हमको, इसको क्लॉकवाइज मसाज करना है, व्हेन यू प्रेस इट क्लॉकवाइज, या तो फिर बॉल पेन की निब ले लो, या फिर जिन जिन के पास जिमी है जिमी ले लेंगे, जिन जिन के भी दर्द हो रहा है उनके माउथ एंड गम्स में प्रॉब्लम है, या तो अल्सरेशन माउथ में बार बार हो रहा है, तो इमीडिएट यू हैव टू प्रेस दिस इमरजेंसी पॉइंट, कि जब भी लगा दांतों में सीवियर पेन है और घर में कोई दवाई नहीं है, ना जिंदा तलिस्मात है, ना कोई पेन किलर है, ना आधी रात को कोई डेंटिस्ट की दुकान खुली है, उस वक्त क्या करेंगे हम, मुट्ठी को बंद करेंगे, एक उठा हुआ हिस्सा मिलेगा फल। आधी रात में कई बार आपके बच्चे के दांत में दर्द होता है, डॉक्टर कोई नहीं है आपके पास, इमीडिएट एक पल्प मिलेगा, जैसे आपने मुट्ठी बंद की
इमीडिएट एक पल्प मिलेगा, उस पल्प के ऊपर क्या करना है हमको, ब्लैक स्केच पेन, ब्लैक मार्कर, जिनके भी पास घर में हो तो बहुत अच्छा, ट्रैवलिंग में भी कभी भी कहीं पे भी पेन है जो पर्टिकुलर पॉइंट्स बताए जाते हैं, तो उस पॉइंट पे जब आप काला रंग लगा देते हैं कि हीट बढ़ गई आपके शरीर में, आपके पेट में और आपके इंटेस्टाइन में गर्मी बहुत बढ़ गई, तो क्या हो गया आपके गम से ब्लीडिंग, उसको हमको क्या करना है, कूल डाउन करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ब्लैक स्केच पेन से मार्किंग करेंगे, इमीडिएट आपकी ये पेन नीचे आ जाएगी। उसके बाद दूसरे दिन से यू शुड गो एंड मीट योर डेंटिस्ट, नो डाउट। लेकिन इमरजेंसी में जिन जिन के पास टेक्निकल मसाजर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो हाथ से ये जो पल्प जहां पे हमने देखा वहां पे पेन किलर ऑयल लगा के मसाज करना है। जिन जिन के पास टेक्निकल मसाजर है बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो थंब से ही उसकी मसाज दबा कर करेंगे। बड़ी उम्र के लोग कई बार इतना रगड़ के इनकी स्किन इतनी सेंसिटिव होती है कि इतनी मसाज आप उन्हें नहीं दे सकते, और आधी रात को पान गुटखा जर्दा बीड़ी ये सब लोगों के तो दांत में पूछना ही नहीं, कबाड़ा बना के रखा है। तो जब भी लगा कि इनके दर्द उठा है, इमीडिएट अपान मुद्रा कैसे होना चाहिए, योर थंब, योर सेंटर फिंगर एंड योर रिंग फिंगर, आपकी इंडेक्स एंड लिटिल फिंगर, ये दोनों एकदम सीधे, अपान मुद्रा। जब आप अपान मुद्रा करते हैं तो आपका इमीडिएट विद इन 15 मिनट्स द पेन विल कम डाउन, हीट जो जनरेट हो गई थी ये एकदम से कूल डाउन हो जाएगी जैसे ही आप अपान मुद्रा करते हैं। घर में बच्चा बच्चे का जन्म होता है इतना आनंद होता है, वैसा है कि आज से नए साल की शुरुआत हो रही है, आज से पूरा साल सिर्फ आनंद में रहे, मजे में आए, मजा से पैसा थोड़ी देर के लिए दिलाएगा आपको, एक स्टेटस दिलाएगा, लेकिन जो इंसान पैसे ना होते हुए जेब में सिर्फ 10 रुपए है फिर भी वो आनंद में रहता है उसको आनंद कहते हैं, कि हर पल हर घड़ी आनंद में रहो। जितना भी पैसा 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 करोगे कभी आनंद में नहीं रहोगे, दैट इज टेम्पररी, इट इज गिविंग यू जस्ट स्टेटस, मनी इज ओनली स्टेटस, इट इज नॉट हैप्पीनेस ऑफ माइंड, मनी आपको हैप्पीनेस नहीं दे सकता है, मनी कैन जस्ट गिव यू स्टेटस, लेकिन अगर आनंद में रहना है तो जब गरीब के घर में भी एक बच्चे का जन्म होता है, अमीर के घर में भी बच्चे का जन्म होता है, जिनके भी घर में बच्चों का जन्म हुआ है कैसे होता है, पूरा परिवार बलून्स लेकर आ जाएंगे, झुम्मर उठा के लाएंगे, छोटे बच्चे का झूला आ जाएगा, घोड़ा आ जाएगा, सब आ जाता है एक साथ, और कितने आनंद में होते हैं सभी लोग कि आज आनंद है यार, मेरे घर में भी आज आनंद है। दिवाली की नूतन वर्ष की सभी को बहुत बहुत शुभ और लाभ।